हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक और नए धमाल व्लॉग में। सो गाइस, अभी देखो टाइम हो रहा है ये 7:07 टाइम हो रहा है। अगर मैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी करके दिखा देता हूँ टाइम से। देखो अभी करता हूँ, इसका आ जाएगा। देखो ना 7:07 हो चुका है यहाँ पर टाइम। और ये है मेरे पापा की स्मार्ट वॉच। जो मेरी स्मार्ट वॉच थी वो तो शायद यार शिफ्टिंग में खो गई है, तो पापा बोल रहे हैं कि तेरे लिए भी एक नई स्मार्ट वॉच ला के दूंगा। और पिछले वीडियो में मैंने कुछ जिक्र किया था इम्पोर्टेंट, वो आप जाके देख लेना उस वीडियो में, वो बहुत इम्पोर्टेंट था ना। और यहाँ पर पूरी फैमिली सो रही है, मैं उठ चुका हूँ 7:07, बस पापा ही उठे हैं और मैं उठा हूँ। मैं अभी आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरी फोटो है, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये पापा और मैं, ये कनी है और ये मैं हूँ। ठीक है, ये रहा मैं, ये वाला हूँ मैं, ये पापा और मैं, ये कनी और ये मैं। यहाँ पर मम्मी और मैं हूँ, फोटोज दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये मेरा गिटार है, आप देख सकते हैं, ये मैं बजाता हूँ। अभी मेरे को बजाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं जल्दी ही सीख लूंगा, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कनी सो रही है और पापा उठ चुके हैं। मैं वैसे पहले उठ गए थे, पापा ने मेरे को उठाया, फिर मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया व्लॉग। और आप देख सकते हैं पापा फिर से व्लॉग करने का सोचने लग गया, हमारा चैनल चला रहे हैं यहाँ पे व्लॉग। और अभी एक और व्लॉग आने वाला है 7:45 पे, तो वो अभी टाइमिंग पे चल रहा है, 7:45 पे अपलोड हो जाएगा। तो उसमें बताऊँ क्या, उसमें सारी जर्नी है, मैंने बताया था उसकी मैं कि सॉरी गाइस, उसमें सारी जर्नी है, मैंने बताया था उसमें कि मेरा चैनल कैसे ग्रो हुआ, पहले जो वीडियो पे कितने व्यू आए, लास्ट में कितने आए, ऐसे ऐसे। तो वो भी जाके देख लेना, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप व्लॉगर हो, बिगनर व्लॉगर हो। गाइज अभी एक पापा ने खुशखबरी बता दी है कि मम्मी भी मान गई है गांव जाने के लिए, तो अब तो 100% है। अब जल्दी से हमें बस तैयार होना है और फिर सट्टे से निकल जाना है, क्योंकि गाइज यहाँ से राजस्थान पूरा एक दिन लग जाता है। अगर हम शाम को ही निकलेंगे तो रात निकल जाएगी, रात निकलेंगे तो अगले सुबह पहुँचेंगे। और अभी है आज डेट है वो है 8 अक्टूबर 2024, जो कि मेरा बहन का बर्थडे था, लेकिन हम लेट हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी हमें करना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस। गाइस जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, अभी आधे घंटे बाद हमारा व्लॉग अपलोड हो जाएगा, जो कि हमने कल बनाया था। और वो फिर उसका टाइटल क्या था, मैं भुलक्कड़ हूँ इसलिए मेरे को याद नहीं हो रहा। वैसे वो कुछ मोनिटाइज के बारे में था मेरा, है ना शायद। तो वो आधे घंटे बाद आ जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो आप देख लेना। एक और अभी धमाकेदार चीज़ हुई है, यहाँ पर कंट्री डिलाइट का दूध आ चुका है। और गाइस देखो यहाँ पर कंट्री डिलाइट ने हमारे वीडियो पे ये ऐड लगा दिया है। कंट्री डिलाइट का हम दूध पीते हैं और कंट्री डिलाइट ने पे ऐड लगा दिया। मुझे लग रहा है कि कंट्री डिलाइट ने देखा था, हमने एक वीडियो में बताया था उसको कि कंट्री डिलाइट की वेजिटेबल, तो शायद कंट्री डिलाइट ने देख लिया और हमारे वीडियो पे ऐड लगा दिया है। गाइस अब मैं नहा चुका हूँ, आप देख सकते हैं मैं नहीं, और कन्नी भी नहा चुकी है, पापा और मम्मी नहीं नहाए हैं, पापा भी नहाने वाले हैं और मम्मी भी थोड़ा बहुत पापा के नहाने के बाद नहाने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग उठ चुके हैं, अभी देखो कितना। गाइस देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी हो रही है, और यहाँ पर यहाँ एक क्रो बैठा हुआ है और ये डर रहे हैं, घूम बोल रहे हैं। ओ भाई ये क्रो को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इधर इनके अंडे हो सकते हैं। इन क्रो भागने वाला है नहीं, इन पिद्दों से भागेगा कौन, क्रो क्या इन पिद्दों से तो चील भी ना भाई। ये धीरे धीरे करके उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी शायद भगा देंगे। दो आ चुके हैं और अक्रो धर रहा है धीरे धीरे।
भाई यहाँ पर तो गजब ही कांड हो गया। उस दूसरे कबूतर ने पहले कबूतर को उड़ा दिया, अब ये अकेला उड़ाने ही सोच रहा है मुझे लग रहा है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कनी भी नहाली है, ये कान्हा जी को नहलाने वाली है। ये देखो यहाँ पर हमारे कान्हा जी है, ये भी नहाने वाले हैं। की जगह इस ढोल को नहलाने जा रही है, मारो इसको। ऐसे ना आती है, मैं बेचारी बाथरूम में गिर गई थी ये, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो इसका फिर हाथ को प्लास्टर करना पड़ा बेचारी। सो गाइस चलिए अब जल्दी से चाय बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने डाला पानी, उसके अंदर चीनी, चीनी सुनी नहीं चाय पत्ती, उसके अंदर डाली है लौंग, उसके अंदर मैं डालने वाला दूध, क्योंकि पापा को मीठी चाय पीना अच्छा नहीं लगता है। खैर देखिए अब मैं डालने वाला हूँ दूध। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चाय बनके रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी पापा की हुई है। बताइए आप देख सकते हैं यहाँ पर उबल रही है। जैसे मैं ऐसे करूँ तो ऐसा लगता है कि पत्ते को छू रहा हूँ, लेकिन बहुत दूर है इसलिए मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए इतना दूर है, और इतने में भी वो ऊपर बहुत, इतना जूम करने के बाद भी बहुत ऊपर। वो अगर क्लियर नहीं दिख रही होगी तो मैं कैसे दिखाऊँ यार। चील एक आधी नीचे आ जाओ यार, गाइस को दिखाना है। ये देखो ये आई, ओहो बाज है क्या। सो गाइस अभी देखो पापा हो चुके हैं रेडी, और अब हम जाने वाले हैं गांव। मम्मी नहीं जा रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि मम्मी को यहाँ रहना पसंद है। अभी देखो कनी, देखिए ये कनी कर रही है, हाँ वो पीछे लग गई। वाह स्टाइल, नाइस लाइक कर तो बोल रही है। ओह बेल आइकॉन भी ऊपर भी उठाना, ये तो इसमें एक्सपर्ट है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ पानी डाल दिया है पौधों में, पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और धो दिया है, देख सकते हैं।